हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। बेटा, इससे पहले वाली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे सॉल्यूशन चैप्टर के, जिसमें हमने मोलेरिटी मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। नाउ अब हमारा न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 4 हम आज सॉल्व करेंगे। सो हमारा न्यूमेरिकल जो हमको सॉल्व करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा, यहाँ पर हमको गिवन मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमको? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एंड मास परसेंटेज किसका कैलकुलेट करना है? बेंजीन का कैलकुलेट करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैलकुलेट करना है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर फॉर्मूले गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है हमारे पास? फॉर्मूले गिवन नहीं है मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मूले किसी का गिवन नहीं है हमको, तो हम पहले फॉर्मूला, आपको याद होगा बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का, 11th में सभी पढ़ चुके हैं, इतना सभी को पता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन का मास गिवन है, कितना मास गिवन है? 22 ग्राम। सेकेंड डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास भी गिवन है 122 ग्राम। तो बेटा हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है दोनों का। तो बेटा फर्स्ट हम बात करें कि हमें, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि आपको जो भी फाइंड करना हो, जो भी डिटरमाइन करना हो, उसका जैसे आपने देखा मोल फ्रैक्शन, सो दैट इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। मोलेरिटी, सो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। मोलेलिटी, सो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। उसी टाइम पर आपको क्लिक हो जाना चाहिए फॉर्मूला, तभी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कि हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। सो मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल किसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम? बेंजीन का। तो बेटा बेंजीन को हम यहाँ पर ले लेते हैं ए, तो G1 W बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, C6H6 इक्वल्स टू 22 ग्राम। तो हमारे डब्ल्यू ए क्या हो गया? बेंजीन। सेकेंड डब्ल्यू बी क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4 इज 122 ग्राम। अभी बेटा ये हमको दोनों गिवन है, देन मास परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इजिली मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो फर्स्ट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू, बेटा बेंजीन है सो बेंजीन मत, दैट इज डब्ल्यू ए, सो डब्ल्यू या डब्ल्यू सी सिक्स एच सिक्स अपॉन डब्ल्यू सी सिक्स एच सिक्स प्लस डब्ल्यू सी सी एल फोर। तो दैट इज बेटा जो भी मास ऑफ CCl4, मास ऑफ बेंजीन, और ऊपर क्या हो गया, मास ऑफ बेंजीन, जिसका हमको कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी पता आपको, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही। सो वैल्यू पुट करिए, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके डब्ल्यू सी सिक्स एच टू 22 ग्राम अपॉन 22 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 22 अपॉन 2 + 2 = 4, 2 + 1 = 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा इसको हम किससे डिवाइड करें जिससे इजीली हमारा सॉल्व हो जाए? आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे भी डिवाइड होता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर बेटा हमारे पास डायरेक्ट क्या ऑप्टेन होगा। तो इसका आंसर बेटा हमको ऑप्टेन होगा 15.28% किसका मास हो गया? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसका मास हो गया बेटा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना होगा? 15.28%। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सेकेंड यहां पर मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो दैट इज WCCl4 मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन सम ऑफ जो भी मास गिवन है बेटा, टोटल मास, तो C6H6 प्लस WCCl4। तो बेटा इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास?
122 upon 22 plus 122 multiplied by 100 that is 122 upon 144 multiplied by 100. So that is बेटा हमारे पास जो फाइनल है इसका आंसर वो है 84.72%. तो ये बेटा हमें ऑप्टेंड हो गया इसका मास परसेंटेज. नाउ एक और सबसे लास्ट में बेटा क्लियर कर लीजिएगा. सबसे पहले आप एक और चेक करिएगा कि ये जो हमारे पास मास परसेंटेज आया है दोनों कंपोनेंट का एलिमेंट्स का दोनों कंपाउंड का क्या ये 100% है. तो चेक कर लेते हैं 8+2 यस 7 8 10 7+9+10 5 9 and 10 8 ओके 100% हमको ऑप्टेंड हो रहा है. सो दैट इज हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. ओके तो आपको क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला इजीली पता हो तो आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. नोट कीजिए जल्दी से न्यूमेरिकल को. क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 5 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो बेटा हमने मोल फ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट किया था वो भी न्यूमेरिकल सेम था. उसके अंदर हमको 20% गिवन था. ओके, यहाँ पर कितना गिवन है 30% बेंजीन गिवन है. किसमें गिवन है इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड में. तो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं हमसे फर्स्ट. नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि 30% अगर बेंजीन है 30% अगर इसके अंदर बेंजीन है तो दैट इज 70% बचा हुआ क्या होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड. 70% क्या है यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बाय मास बोला है. तो दैट इज 30 ग्राम हो गया बेंजीन एंड 70 ग्राम क्या होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ओके, हम इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का. तो मोल फ्रैक्शन के लिए बेटा जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो फॉर एग्जांपल अगर हमें ए कैलकुलेट करना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. बेटा इस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए एन ए पता होना चाहिए. सेकंड स्टेप क्या होगा फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया. सेकंड बेटा हमारे लिए Na. तो Na एक वस्तु कितना होगा बेटा WA अपॉन MA एंड NB इक्वल्स टू WB अपॉन MB. ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास में बिकॉज हमको गिवन है WA एंड WB. तो हमको गिवन है. अब क्या गिवन है वो देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर गिवन. तो गिवन में हमारे पास फर्स्ट गिवन है सॉल्यूशन ले लिया हमने 100 ग्राम के लिए. सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन कितने ग्राम का है 100 ग्राम का सॉल्यूशन है. उसमें से गिवन कंडीशन क्या है तो गिवन कंडीशन फर्स्ट बेंजीन के लिए बता दी है. तो हम बदल लेते हैं डब्ल्यू बेंजीन. बेंजीन हमारा क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है. सो दैट इज डब्ल्यू बी. तो डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सी सिक्स एच सिक्स इक्वल्स टू 30 ग्राम. सेकेंड WA इक्वल्स टू WCCl4 इक्वल्स टू 70 ग्राम बिकॉज बाय परसेंटेज है 70 ग्राम. आप सभी को क्लियर हो गया होगा. नाउ MA एंड MB कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं MB कैलकुलेट करते हैं. तो MB इक्वल्स टू C6H6 के लिए बेटा किसका कैलकुलेट करना है C6H6. सो नाउ 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6. आपको पता है सभी को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ अब. तो ये होगा हमारा बेटा 12 6 जा ये हो गया हमारा 6 एंड 72 12 6 जा 72 72 प्लस 6 दैट इज 78 ग्राम. 78 ग्राम क्या हो गया बेटा हमारे पास में मोलर मास ऑफ बेंजीन. ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए एम ए के लिए. सो एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सॉरी एम ऑफ सी सी एल फोर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 4. बेटा क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 होता है. हम राउंड फिगर में 35 ले लेते हैं. तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 12 वन जा 12 प्लस 34 5 जा 140. तो हियर 140 प्लस 12 152 ग्राम कितना हो गया 152 ग्राम. मोलर मास ऑफ बी कितना हो गया बेटा 152 ग्राम. हाँ यहाँ पर चलिए ऐसा करते हैं 35.5 ही ले लेते हैं हम बिकॉज एग्जैक्ट हम लेते हैं 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो दैट इज ये कितना हो गया 142 एंड ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 154 ग्राम बिकॉज क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5. ओके,
तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोलर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो दैट इज मोल्स ऑफ, पहले हम कैलकुलेट किसी के भी कर लेते हैं, ए के कर लेते हैं, दैट इज सीसीएल फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में डब्ल्यू ऑफ सीसीएल फोर अपॉन एम ऑफ सीसीएल फोर। तो डब्ल्यू ऑफ सीसीएल फोर कितना है बेटा हमारे पास में, गिवन है हमको डब्ल्यू ऑफ सीसीएल फोर 70 अपॉन एम ऑफ सीसीएल फोर 154 एंड बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे सो डायरेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा इसका, बेटा आपको बता रहा हूँ 0.455 मोल ये मिल गया बेटा हमको, किसके लिए मिल गया सीसीएल फोर के लिए नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड हमारे पास है डब्ल्यू बी, सो दैट इज एन ऑफ सी सिक्स एच सिक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सी सिक्स एच सिक्स अपॉन एम ऑफ सी सिक्स एच सिक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सी सिक्स एच सिक्स 30 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम एंड देन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम। सो दैट तो हमारे पास हमको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो डब्ल्यू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन बेटा हमारे पास 30 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास हो गया 78 ग्राम, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑप्टेन होगा 0.385 मोल। अब इसकी वैल्यू बेटा हम पुट कर देंगे मोल प्रेशर ऑफ बेंजीन, सो दैट इज एक्स ऑफ सी सिक्स एच सिक्स दैट इज मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे उसको। ओके सर 0.385 plus 0.485 plus 0.485 so 0.385 upon 5 plus 5 10 8 9 10 13 3 3 plus 4 7 8 0.830 तो दैट इज जब इसको फाइनल हम डिवाइड करेंगे 0.458 बेटा हमको फाइनल ऑप्शन होगा 0.458 नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 का मोल फ्रैक्शन 0.458 हमको ऑप्टेन होगा। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, तो X ऑफ CCl4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 जिस भी कंपोनेंट के बेटा फाइंड करना है वो होगा हमारा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा नंबर टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट इज एन ऑफ C6H6 प्लस एन ऑफ CCl4 वैल्यू पुट करेंगे बेटा फर्स्ट हम इसके अंदर, तो हमारे पास है 0.455 अपॉन 0.385 प्लस 0.455। ओके सो इसको आगे कंटिन्यू सोल्व करते हैं हम, तो x ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 0.455 अपॉन 0.830 equals to x of CCl4 equals to 0.542 divide करो तो बेटा ऑप्टेंड हो जाएगा 0.542। ओके सो ये हमको ऑप्टेंड हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड के। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास फर्स्ट किसी के नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट हो गए हैं तो सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 1 में से माइनस, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स का सम ऑलवेज कितना होता है 1। फॉर दैट इज मैं एक बता रहा हूँ छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर कि x of C6H6 प्लस x मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 1। तो दैट इज हमारे पास इससे गिवन बेटा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 तो दैट इज 1 माइनस 0.458। तो डायरेक्टली बेटा हमको ऑप्टेंड हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज 0.542। ऐसे भी हम डायरेक्ट इसको ऑप्टेंड कर सकते हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जितने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 6 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ग्राम कोबोल्ट सेकेंड नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। बेटा इसका नाम क्या है, कोबोल्ट सेकेंड नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
4.3 लीटर हमको सॉल्यूशन गिवन है, उसमें हमको मॉलरिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब मॉलरिटी कैलकुलेट करना है तो मॉलरिटी का फॉर्मूला तो आपको क्लिक हो गया होगा कि मॉलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट समझते हैं इसका गिवन क्या है। तो गिवन हमको बेटा इसमें गिवन है, फर्स्ट गिवन है मास गिवन है। किसका मास गिवन है? डब्ल्यू ऑफ कोबोल्ट। सेकेंड नाइट्रेट डॉट 6H2O का मास गिवन है। कितना गिवन है हमारे पास? 30 ग्राम। ओके, सेकेंड हमको गिवन है वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमको? 4.3 लीटर। बेटा वॉल्यूम हमको लीटर में गिवन है यहाँ पर, ओके ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम किसमें गिवन है हमको? लीटर में गिवन है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है मोलरिटी का। फॉर्मूला है m=WB×1000/MBA×V×ml। अब बेटा यहां पर जो है V वो लीटर में है, डायरेक्टली लीटर में है, तो ये 1000 यहां से हट जाएगा, 1000 नहीं होगा बिकॉज 1000 हमने कन्वर्ट किया था ml के लिए। सो v इन लीटर, सो दैट इज WB/MBA×V, बट सिंपल ही होगा। सो WB गिवन है, V गिवन है, हमको MB कैलकुलेट करना था। MB दैट इज m ऑफ कोबोल्ट सेकेंड नाइट्रेट डॉट 6H2O, या सिंपल हेक्साहाइड्रेट। ओके, तो फर्स्ट बेटा कोबोल्ट, कोबोल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 × 1 प्लस बेटा नाइट्रेट कितने है? 2। सो फर्स्ट हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 देन प्लस 6 × H2O। H2O का बेटा हमको पता है 18 होता है, तो डायरेक्टली हम 18 यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 59 + 14 + 16 = 48 + 18 6 + 5 = 90 ओके। सो आगे बढ़ते हैं बेटा हम, लेट मी चेक वन टाइम। सो 59 + 2 × 8 + 4 = 12 + 4 = 1 5 + 6 = 62 + 108 = 59 + 2 = 4 = 12 = 124 + 108। ओके, तो मोलर मास हो गया इसका 291। तो बेटा अब हमारे पास डायरेक्टली मोलरिटी का फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। तो मोलरिटी m = WB, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, हमारे को बताइए 30/291 × 4.3 लीटर। बेटा इसको लीटर को कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10, जिसे डिवाइड पॉइंट को हटा के, और पॉइंट को हटाने के बाद बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू बेटा ऑब्टेन होगी हमको 0.239, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 0.24 राउंड फिगर करके। तो मोलरिटी कितनी होगी बेटा? 0.24 मोल पर लीटर, ये इसकी मोलरिटी हो गई। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, एंड कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो कमेंट के अंदर आप अपना न्यूमेरिकल टाइप कर दीजिए, मैं उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की वीडियो बना के हमारे चैनल पर, मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।